कव्यांश देवो प्रिया शिवम विहान आकाश यस सर। इसमें आपका था वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये आप लोग का रीड कराया जा चुका है। यस सर हो गया। ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं? यस सर। ठीक है, चलो आकाश, वॉवेल्स किसको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसको बोलते हैं, डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, कितने वॉवेल्स होते हैं? फाइव। हमारे जो इंग्लिश होता है लेटर्स अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके बाद जो बचते हैं आपके ये क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखेंगे लिखा था दीज लेटर्स आर ए ई आई ओ यू हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है, तो ये पांचों आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब इसके बाद है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कराई जा चुकी है आप लोग को। यस सर। यस सर। देवो प्रिया, देवो प्रिया, क्वेश्चन नंबर ए है आपका, लुक एट दीज वर्ड्स, ऑल ऑफ देम हैव अ वॉवेल। कुछ वर्ड दिए गए हैं उनमें कुछ वॉवेल्स है उनको निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बी ए टी, जिसमें कि आपका वॉवेल क्या है ए। ठीक है, सेम ऐसे सेकेंड है आकाश कुमार सिंह। आकाश, आकाश, यस सर। सेकेंड है आपका बी ई डी, बेड, बेड है। इसमें आपको कौन सा वॉवेल है वो आप बताइए। क्या ये वाली है? ये वाली, यस सर। कव्यांश, प्रकाश कव्यांश, ये हमारा वॉवेल है। बिन दिया है, तो जैसे डस्टबिन होता है उसी का बिन लिया गया है, बी आई एन। इसमें आपका क्या है वॉवेल, क्या है? आई, आई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बी ओ एक्स, बॉक्स। इसमें आपका वॉवेल क्या होगा? ओ होगा। ओ, ओ। लास्ट आपका है जे यू जी, जग। चलो विहान, इसमें क्या होगा बताओ? विहान, यू है। ठीक है, अब इसके नीचे आगे है सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स, put suitable consonants to complete the words। अब कह रहा है इसमें consonants को put करना है, consonants को, और एक suitable word बनाना है। तो first में क्या होगा, कौन कौन बता लेगा? देखो प्रिया, विहान, नाग, कव्यांश, आकाश, शिवम। ये जो फर्स्ट वाला है आप देखेंगे डायग्राम बना है, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? मैंगो। मैंगो, तो मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है? अब इसमें से आपका कॉन्सोनेंट्स दिए, वॉवेल्स दिए गए, इसमें कॉन्सोनेंट्स आपको फील करने हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? एम। उसके बाद ए एन दिया है, फिर आपका कॉन्सोनेंट जी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, सेकेंड क्या है? के ई वाई। के ई वाई,
आपका से और वाई दोनों के कौन से वर्ड्स है? लेटर अब सेम है, आपका नीचे देखेंगे सर्किल द वावेल इन दिस वर्ड्स, वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें आपको वावेल को सर्किल करना है। ये सब लोगों को कराया जा चुका है? यस सर, मेरा वाला देवो प्रिया आकाश बिहान नक्ष कराया जा चुका है आप लोग को? यस सर, वेट करिए वेट करिए। विहान केवल विहान बोलेगा, विहान जो ये सी वाला है ये मैम कराई है। बताओ विहान क्या सर, ये जो सी वाला है सर्किल द वॉवेल इन दीज वर्ड्स ये कराया जा चुका है? वावेल को सर्किल करना है, इसमें कौन कौन से वावेल्स है? फर्स्ट वाले में एप्पल दिया है, इसमें वावेल्स निकालने हैं, तो कौन कौन से वावेल्स हैं? ए ए ए सेकंड क्या है? सी सेकंड है आपका बनाना, बनाना में कौन कौन से वावेल्स हैं? ए ए ए ए ए कितने टाइम में है? तीन टाइम और क्या है? एलिफेंट, एलिफेंट में क्या क्या आपके वॉवेल्स है? ई है, ए है, ए ठीक है। वोट क्या आपका? वोट क्या आप लोग का? हॉर्स, हॉर्स में है वो, हाउस है, हाउस हाउस, इसमें क्या क्या वावेल्स है? ओ ई, ओ यू ई, ई ऊ ई। फिर आपका फिफ्थ है हॉर्स, हॉर्स में क्या क्या है? ओ ई, ओ यू ई। लास्ट आपका है जेब्रा, आपके जेब्रा में कौन कौन से हैं? ई ए, ई और ए है, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग डी वाले में, सर्किल द कंसोनेंट्स इन दीज वर्ड्स। अब अभी हम लोगों ने ऊपर क्या किया, हम लोगों ने वावेल्स को सर्किल किया, ठीक है। हम किसको करेंगे? कंसोनेंट्स को, कंसोनेंट, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या लिखा गया है, बुक पे दिया गया है? इंजीनियर। क्या रीड करेंगे गाइस, जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है? कंसोनेंट। कोई रीड कर लेगा? A B C D E F H। अब बता इसको क्या रीड करेंगे जो वर्ड दिया गया है? E N N J N J N N, ठीक है, इंजन है। अब इसमें क्या है, आपको कंसोनेंट जो है उनको सर्किल करना है। इसमें क्या क्या कंसोनेंट आते हैं? आपके दो एन और एक जी है। सेकेंड वर्ड क्या लिखा गया है? देखो भैया कितनी है, अभ्यास ध्यान पॉल। सेकेंड वर्ड क्या है? थर्टी
मीनिंग क्या होती है? अब इसमें आपके कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? एफ हो जाएगा, रिवर मीन्स क्या होता है? नदी होता है, नदी। ठीक है, अब इसमें आप लोग के कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? R V R. ठीक है, फोर्थ क्या है आप लोग का? उसके बाद आपका फिफ्थ है टाइगर, टाइगर टाइगर में लॉयल WN. ठीक है, अब इसमें आप लोग के कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? टी है, जी है, और आपका लास्ट आर है। उसके बाद लास्ट आपका है सिक्स डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। अब इसमें आप लोग क्या क्या है? क्या क्या कॉन्सोनेंट्स है? कॉन्सोनेंट्स है, और जो बीच में ओ है वो आपका वॉवेल है। आगे चले क्लास, अब चलते हम लोग पेज नंबर मैम करा चुकी है ना? यस सर, यस सर। चैप्टर पढ़ाता है नेमिंग वर्ड्स, नाउन लिखा है। नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल नेम्स, जो चीज नेम बताने के लिए यूज किया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। अ नेमिंग वर्ड tells the name of a person, place, or a thing. Person means क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, आदमी। Person means व्यक्ति होता है। Place means क्या होता है? Yes. Place means जगह। जगह। हाँ, जगह या स्थान। ठीक है। और थिंग मीन्स क्या होती है? चीज। हाँ, चीजें या वस्तुएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीर्ति राय, पांच थिंग्स के अगर नेम बताने होंगे तो आप बता सकती है कीर्ति? यस सर, यस सर। आप बताइए। कीर्ति बैट, पेन, कप। हाँ, बैट, कप और हाँ, और दो और पेन। ठीक है, देवो प्रिया आप भी बताइए पांच, जो कि कीर्ति ने बताया उसके अलावा।
फाइव थिंग्स के नेम बताने हैं, बताइए जो आपके नियर में रहते हैं प्रिया। जब आवाज नहीं जा रही है तो अभी आपको समझ में आ रहा है, जब पूछा जा रहा है कह रहे फाइव थिंग्स के नेम बताने हैं, फाइव थिंग्स के नेम बताने हैं जो कीर्ति ने बताया है उसके अलावा। सर मैं बताऊं? शिवम यस सर। सर मैं शिवम बताओ। पेंसिल, चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल स्टैंड। अब आप देखेंगे इसमें नीचे कुछ आपके बुक में फिगर्स दिए गए, डायग्राम दिए गए हैं, उन्हीं के नीचे उनका नेम दिया गया, नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका क्या है? कार की स्पेलिंग क्या होती है? सेकेंड क्या है आपका? टीचर की स्पेलिंग क्या होती है? टीचर। ठीक है, थर्ड आपका क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर, ये डॉक्टर जो है ये पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग है, कौन बताएगा? पर्सन है। पर्सन है। और ये जो कार है ये क्या है? थिंग है। ठीक है, फोर्थ है आपका बॉय। स्पेलिंग क्या होगी बॉय की? पर्सन। बी ओ। बॉय। ठीक है, बी ओ। क्या है आपका? स्कूल और नाइन्थ नंबर जो है वो आपका हॉस्पिटल। ठीक है क्लास, क्लास में अब आपका आता है एक्सरसाइज। द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर ओन ग्रुप। अब क्या कह रहा है? पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स के ग्रुप दिए गए हैं, इनको फील करना है। सब लोग कर लेंगे? यस सर। चलिए आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग सब फील करिए, फिर सबसे एक एक पूछा जाएगा। सब अपने क्या कहते हैं नोटबुक में फील करिए। कव्यांश, नित्या, कीर्ति रॉय, शिवम। सर मेरा हो गया है। किसका हो गया है? सर मेरा शिवम का। शिवम आपका हो गया है? शिवम 2 मिनट वेट करिए, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कैसे किए हैं आप लोग, कैसे किए हैं और क्यों किए हैं। ठीक है, देखो प्रिया आपका हो गया है। आकाश आकाश हो गया है? यस सर। ठीक है, फर्स्ट आपका फर्स्ट है वो है पर्सन वाला कॉलम है, इसमें पहला शिवम क्या भरे हो? टीचर। पर्सन वाले में फर्स्ट क्या भरे हो? भरा। क्या चीज? डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन। डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन। ठीक है, एनिमल्स वाले में आपने क्या क्या फील किया है? रैबिट, पैरट, हॉर्स। रैबिट और हॉर्स। कीर्ति, प्लेसेस में आपने क्या क्या फील किया? स्कूल, पार्क, बैंक। स्कूल, पार्क एंड बैंक। चलो विहान, थिंग्स वाले में बताइए आपने क्या क्या फील किया है। विहान नक्स, बाइक,
बैग टीचर्स टेबल ठीक है हम लोग चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वाले में लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स बाय पुटिंग इन वन लेटर ईच आप क्या दिया गया है आपको फिगर दिया गया है उसके नीचे उनके वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें की एक नंबर आपको पुट करके सुटेबल वर्ड बनाना है ये आप लोग का कराया जा चुका है सबको क्लियर है चलिए ठीक है सर मेरा हो गया है एक्सरसाइज चैप्टर फोर में सब चैप्टर फोर में करेंगे बताओ काव्यांश बिहान कीर्ति देवो प्रिया आकाश चैप्टर फोर आप लोग को कराया गया है यस सर चलो ठीक है चैप्टर फोर क्या है वन एंड मोर देन ठीक है कह रहा है वन एंड मोर देन वन वन मीन्स क्या होता है वन मीन्स क्या होता है जैसे कि आप लोग को दिखा होगा ठीक है आपको क्या क्या है चलो कितना लेकर लिखा है कितने लेकर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है उठा गया है जो कि वो क्या था ए है और दूसरा कह रहा है एंड मोर देन वन अब आपका ए डबल पी एल ई बन गया ये क्या हो गया एक से ज्यादा हो गया यानी कि मोर देन वन क्लियर है सेम ऐसे होता है इसी को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं सिंगुलर मतलब होता है जैसे कि हमने अभी क्या लिखा था ए यानी कि ओनली वन वो आपका सिंगुलर हो गया और अगर ए डबल पी एल ई साथ में आके ढेर सारे अधिक अधिक मात्रा में आ गए अधिक क्वांटिटी में आ गए तो क्या हो गया आपका प्लूरल ठीक है अब लिखा गया है बुक में देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश कह रहा है इंग्लिश में केवल दो नंबर्स होते हैं फर्स्ट है आपका सिंगुलर और सेकेंड है आपका क्या है प्लूरल ठीक है अब देखिए आपकी एक टेबल बनी है एक साइड सिंगुलर लिखा गया है और एक साइड प्लूरल दिख रहा है सबको yes, sir. अब सिंगुलर वाले में देखेंगे केवल सिंगल बाल बनी हुई है डायग्राम दिख रहा है yes, प्लूरल साइड yes, है उसमें फोर बाल्स बनी है यानी कि मोर देन वन है सेम ऐसे आपका सिंगुलर वाले में एक बेड बना है और सेकेंड साइड क्या है बने हुए हैं यानी कि मोर देन वन है नीचे आपके उसके है पेंसिल है उसके बाद आपका सिंगल के बाद डबल हो गया है पेंसिल हो गया है ठीक है सेम ऐसे आपका बुक है और अपोजिट साइड सेकंड कॉलम में आपका बुक हो गया है यानी कि अधिक सारी किताबें तो सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है सिंगुलर किसको बोलते हैं प्लूरल किसको बोलते हैं कीर्ति आकाश काव्यांश प्रियान देवो प्रिया शिवा सिंगुलर प्लूरल आप लोग डिस्क्राइब कर लेंगे यस सर प्लूरल में एक छोटा प्लूरल में बहुत सारे हाँ एक और बहुत सारे अब देखेंगे कीर्ति बी ए डबल एल लिखा है और बी ए डबल एल एस लिखा है बाल और बाल्स सेम ऐसे बैट लिखा और बैट लिखा है यानी कि यस जुड़ के एक से अधिक शब्द बना रहा है सेम आप देखेंगे पेंसिल लिखा है पेंसिल्स यानी कि
बहुत सारी पेंसिल। उसके बाद आपका सेम है बुक लिखा है, उसके अपोजिट साइड लिखा है बुक्स, ठीक है। इसको आप लोग टेबल ऑफ नोटबुक में बना लीजिएगा, इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। अब इसके आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म पे कराई जाएगी, ठीक है क्लास। आकाश, देवो प्रिया, कीर्ति।